2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद में राहुल द्रविड़ हेड कोच से हट गए हैं और गौतम गंभीर को नया हेड कोच बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम राहुल द्रविड़ की उपलब्धियां और उनकी कमियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले अगर वीडियो में राहुल द्रविड़ की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो राहुल द्रविड़ की सबसे बड़ी उपलब्धि 2024 में T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतना हो गई है। 2024 में टीम इंडिया ने 17 साल बाद में T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। इसके बाद राहुल द्रविड़ की अगली उपलब्धि के बारे में बात करें तो राहुल द्रविड़ के हेड कोच के रूप में ही टीम इंडिया ने 2023 में एशिया कप का खिताब अपना नाम किया है। इसके आगे बात करें कि राहुल द्रविड़ के होने के साथ ही टीम इंडिया ने तीनों फॉर्मेट में नंबर वन की रैंकिंग एक साथ हासिल की है, यानी कि एक समय में टीम इंडिया ही तीनों फॉर्मेट में नंबर वन थी। इसके साथ ही टीम ने द्रविड़ कार्यकाल में ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को घरेलू सरजमी पर हराया। इसके साथ साथ विराट कोहली को भी उनका करियर वापस दिलवाया। एक समय जहां विराट कोहली सत्य के लिए जूझ रहे थे लेकिन विराट कोहली पे भरोसा दिखाया और विराट कोहली को वापस से किंग बनाया। और राहुल द्रविड़ ने अपने कार्यकाल में शुभम गिल और जयसवाल जैसे खिलाड़ियों को परमानेंट टीम में जगह दे दी। साथ ही द्रविड़ कार्यकाल में टीम ने अपनी खेलने की स्ट्रेटजी बदल दी। इसके साथ साथ अगर द्रविड़ की ऐसे फसलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड से हारकर सेमीफाइनल में बाहर हुई। इसके बाद द्रविड़ कार्यकाल में ही टीम ने साउथ अफ्रीका में सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई। आगे द्रविड़ कार्यकाल में ही टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल से बाहर हुई और साथ ही वर्ल्ड कप 2023 में भी फाइनल से बाहर हुई। तो द्रविड़ कार्यकाल में टीम ने 4 ICC ट्रॉफी में से 1 ICC ट्रॉफी अपने नाम की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।